2 જુલાઈ પાલ સુધાર રહસ્યમય મોત મામલે બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે બીજા 3 આરોપીને જામીન રદ થયા હતા. તેમ છતાં બીજા 3 આરોપી હજુ ગિરફ્તાર થયા નથી. તે મામલે રાજસ્થાનનો સુધાર સમાજ આજે જયંતિલાલ સુધારની સાથે ન્યાય માટે તેમની લડતમાં જોડાયો છે. સમાજની એકતા જ દેશનું ભવિષ્ય છે, તેનું ઉદાહરણ રાજસ્થાન સુધાર સમાજ પૂરું પાડ્યું છે. વધુમાં સમાજના અધ્યક્ષે જણાવ્યું હતું કે પાલ સુધાર રહસ્યમય મોત કેસમાં તપાસમાં થતી ઢીલને લઈ સમગ્ર સુમેરપુર સુધાર સમાજ કમિશનર કચેરીએ આવેદન પત્ર આપવા માટે આવશે. इसमें आरोपी है और सब मतलब मिल के जो भी इसमें आरोपी है उन सबको सजा मिलनी चाहिए और न्याय से हम यही चाहते हैं कि सबका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी और जो भी जिस कारण भी मौत हुई है वो सामने आनी चाहिए. बस हमारा यही कहना है. हाथ जोड़कर निवेदन मेरे सभी प्रिय भाइयों और बड़े बुजुर्गों, मेरी बहन पायल डॉटर ऑफ जयंतीलाल जी जिसके साथ में ये एक दुर्घटना हुई है और मैं चाहता हूँ कि ये दुर्घटना आगे कभी किसी और किसी के घर में या किसी परिवार में न हो. इसके लिए पूरा समाज आज इकट्ठा होके समाज के हित में ये कार्यवाही हो और निष्पक्ष इनको जांच की जाए जिससे विरोधी अपराधियों को सजा मिले और कठोर कार्रवाई हो उनके साथ में जिससे पायल बहन को न्याय मिले और आगे भविष्य में कभी किसी के परिवार में ऐसी नौबत ना आए कि कोई उसका उसके साथ में ऐसी घटना हो. मेरा आपसे निवेदन है कि इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से ले और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें जिससे पायल को न्याय मिले. पूरा समाज साथ में है इसके लिए. जो आपको हमारे से जो उचित आपको सहायता चाहिए वो हमारी तरफ से आपको सहायता मिलेगी. मैं दिनेश मिस्त्री, गांव कोटा, सुतार समाज मंदिर, मंत्री. जय बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय. आज जो ये बहन पायल की जो दुखद घटना जो हुई है उसके लिए मुझे और पूरे समाज बंधुओं को बहुत दुख है और इतने छोटे से शॉर्ट नोटिस पे पूरे समाज बंधु यहाँ पधारे हैं विश्वकर्मा मंदिर में. इसके लिए सभी समाज बंधुओं का धन्यवाद और ये जो अप्रिय घटना जो हुई है इसके लिए सभी समाज बंधु पायल को न्याय दिलाने के लिए सभी समाज बंधु एकत्र हुए हैं और इस अप्रिय घटना का एकदम न्यायिक जांच सरकार करे इसके लिए सभी समाज बंधु इनके साथ है. और ये जो घटना हुई है उसकी न्यायिक जांच हो इस यही हमारी विनती है और सभी समाज बंधु इनके साथ है. चांदखेड़ा पुलिस थाने के मोडेरा एरिया में पायल सुथार की जो शंकास्पद तरीके से मौत हुई है उस संबंध में पुलिस थाना चांदखेड़ा में मुकदमा दर्ज हुआ है. मुकदमा दर्ज होने के बाद में दो आरोपी, मुख्य आरोपी थे करण और मदन, करण और अनिल उसकी दोनों की गिरफ्तारी हो गई है. इसके अलावा तुला देवी, जयंतीलाल और सुमित्रा देवी ये तीनों आरोपी आज दिन तक फरार है. इसके अलावा 4 तारीख को इस घटना होने के पश्चात 4 तारीख को जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की उसके फ्लैट पर जाकर जिन्होंने नमक डाले और वहाँ से कुछ एविडेंस थे उनको हटाने की कोशिश की वो भी आरोपी है उसमें. उन आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है. बाकी आरोपी आज भी राजस्थान में घूले घूम रहे हैं. चांदखेड़ा पुलिस थाने को हमने इन्फॉर्म किया, कई बार उनको निवेदन भी कर लिया है लेकिन आज भी किसी प्रकार की अग्रिम कार्रवाई नहीं हो रही है. ना ही जो भागे हुए अपराधी है और जो उसमें वांछित अपराधी है उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है. उससे पीड़ित परिवार पीड़ित है. इसके अलावा सुतार समाज जो आज राजस्थान का पूरा सुतार समाज लामाबंद हुआ है, एकमत हुआ है और एकमत होने के बाद न्याय की गुहार कर रहा है. यह हम ये चाहते हैं कि जो वांछित अपराधी है, जो भगोड़े अपराधी है, इसके बाद में जो जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की है वो अपराधी है, उनकी निष्पक्ष तरीके से जांच करते हुए गिरफ्तारी होनी चाहिए. मैं गुजरात सरकार से न केवल पीड़ित परिवार का वकील होने के नाते बल्कि एक मानवीय दृष्टिकोण से भी अपील करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश करता हूं, माननीय गृह मंत्री महोदय से गुजारिश करता हूं और कमिश्नर साहब साहिबाग अहमदाबाद से गुजारिश करता हूं कि जो इसमें वांछित अपराधी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और पायल की शंकास्पद मृत्यु के जो वास्तविक कारण है वो सामने आने चाहिए.
इस प्रकार से अगर अपराधी अपराध करते रहे तो एक आम आदमी का, एक गरीब परिवार के, एक साधारण से परिवार के व्यक्ति का मनोबल टूट जाएगा। राजस्थान का सुतार समाज पीड़ित परिवार के साथ है। आज रोज विश्वकर्मा धर्मशाला सेवनगंज में सब लामबंद होकर एकत्रित हुए हैं और इनकी सबकी ये मनोदशा है, इन सबकी ये इच्छा है कि ये सभी एक बार गुजरात के मुख्यमंत्री महोदय से, गुजरात के गृहमंत्री महोदय से और कमिश्नर साहब से रूबरू होकर इस मामले की निष्पक्ष और तटस्थ जांच करवाकर वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी करवाना चाहते हैं। इसलिए मैं वापस एक बार करबद्ध निवेदन करता हूं, इस मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और जहां इन्वेस्टिगेशन रुका हुआ पड़ा है, चांदखेड़ा थाने में दो अपराधियों की गिरफ्तारी होने के बाद दूसरे अपराधी जो वांछित है वो कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने लगाई थी, उनकी एंटीसिपेटरी बेल भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। उसके बाद भी चांदखेड़ा पुलिस अभी तक हरकत में नहीं है, चांदखेड़ा पुलिस अभी तक रुझाव में नहीं है। चांदखेड़ा पुलिस के अधिकारियों को हमने निवेदन भी कर लिया है, उनको सूचना प्रेषित की गई है। पीड़ित परिवार के पिता को आज भी धमकियां मिल रही हैं, पीड़ित परिवार के पिता को आज भी प्रेशर आ रहा है, राजीनामे के दबाव बन रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा चांदखेड़ा पीआई साहब से, कमिश्नर साहब से, मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय गृहमंत्री महोदय से कि इस मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए पीड़ित परिवार को परेशान करने वाले अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और इस मामले की तटस्थ जांच हो। इसके साथ में ये गुजारिश करूंगा कि पायल के शंकास्पद मृत्यु के साथ ही, पायल 6 माह की गर्भवती थी, उसका गर्भ था, उसका जब दाह संस्कार राजस्थान में हुआ तो अनऑफिशियल तरीके से, अनऑथोराइज्ड पर्सन से, जिसने भी उसके पेट में से 6 माह का गर्भ वाला बच्चा निकलवाने के लिए जिसने अनुमति दी और उसको निकालने के बाद में जिसने उसको दफनाया, उसका दाह संस्कार किया, उस संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैंने चांदखेड़ा पुलिस वालों से बात की थी, मैंने उनको कहा था इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन करे, पर ढीला रवैया अपनाते हुए चांदखेड़ा पुलिस ना तो अभी तक हरकत में है ना ही फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिससे पीड़ित परिवार के साथ ही सुतार समाज बहुत पीड़ित है, दुखी है, सहमे हुए है। अपराधियों के हौसले आज भी बुलंद है, न्याय की दृष्टि से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी होने के साथ ही चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन वालों को राजस्थान आकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और जहां उस बच्चे को दफनाया गया है, अनऑफिशियल तरीके से उस बच्चे को निकाला गया है, उस अनऑफिशियल तरीके से अनऑथराइज पर्सन की जिसने भी कंसेंट दिए उस बच्चे को निकालने के, उस संबंध में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा ये राज एक राज बन के रह जाएगा और हर पीड़ित व्यक्ति दुखी होता रहेगा। मेरी गुजारिश है फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, अपराधियों की गिरफ्तारी हो और मेरी बात वहां तक पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचे, गृहमंत्री महोदय तक पहुंचे और कमिश्नर महोदय तक पहुंचे और मेरी बात पहुंचने के बाद इस मामले में संज्ञान लिया जाए, संज्ञान लेके पीड़ित परिवार के साथ न्याय किया जाए। टीडीसी न्यूज साथ है नैनेश मिस्त्री, अहमदाबाद।